Next question. Question says a mass of 2 kg is whirled in a horizontal circle by means of a string at an initial speed of 5 rpm. उसके बाद का सिनेरियो है कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट आर कांस्टेंट है, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल्ड. तो हमने टेंशन डबल कर दिया है. सवाल है न्यू स्पीड कितनी होगी. नाउ सिनेरियो ये है कि ये आपका एक सर्कल और आपका पार्टिकल इस सर्कल में गोल घूम रहा है ऐसे. सो इस केस में जब आपने इसे रस्सी से बांधा हुआ है तो ये जो पार्टिकल घूम रहा है आपका उसमें एक टेंशन होगी. नाउ इस टेंशन को हम यहाँ पे लिखते हैं टेंशन टी. जो आपका टेंशन टी होएगा दिस विल बी MAC ये आपके सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन मल्टीप्लाइड बाय मास इसके बराबर होगी. रीजन है आपका हॉरिजॉन्टल सर्कल है तो इसमें AT का कंपोनेंट टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं आएगा. सो AC को हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू MR ओमेगा स्क्वायर. सो नाउ आपका टेंशन आपका उसके ओमेगा के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया. इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाय T1. राइट. तो ये आपका यहाँ पे हम इससे कह सकते हैं कि आपका T इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर आ गया. राइट. बिकॉज मास कॉन्स्टेंट है रेडियस कॉन्स्टेंट है. तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि ओमेगा 2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2 डिवाइडेड बाय T1 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा 1. नाउ यहाँ पे अपने को T2 जो है वो टेंशन हमने डबल कर दी है. सो इसका मतलब आपका ओमेगा 2 जो है दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2/1 मल्टीप्लाइड बाय आपकी ओरिजिनल ओमेगा है 5 rpm. नाउ इसको RPM को हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज 4 ऑप्शन आपके RPM के टर्म में ही है. सो इसकी वैल्यू हो गई 5√2. नाउ √2 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.414. इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.07. क्लोजेस्ट आंसर इज 7 rpm. सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द राइट आंसर. आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया.